नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूं आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर और बांका का आतंक बन चुके जगदीशपुर के बालू माफिया रणवीर राय को पुलिस ने अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। बीते 22 अप्रैल को मिली गुप्त सूचना के आधार पर एसएसपी आनंद कुमार के निर्देश पर डीएसपी गौरव कुमार के नेतृत्व में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के कुख्यात अपराधी बालू माफिया एवं वारंटी रणवीर राय को पुलिस की विशेष टीम ने उसके ससुराल अकबर नगर के पैन गाँव से हथियार के साथ दबोच लिया। गिरफ्तार अपराधी रणवीर राय के पास से पुलिस ने 2 देसी कट्टा और 12 जिंदा कारतूस बरामद किया है। वह पिछले कई वर्षों से फरार चल रहा था। जगदीशपुर हसनपुर निवासी सत्यनारायण राय का पुत्र कुख्यात रणवीर राय की तलाश पुलिस काफी दिनों से कर रही थी और उसके खिलाफ कई आपराधिक मामले अलग अलग थानों में दर्ज है, जिसमें हत्या और पुलिस पर हमला समेत अवैध रूप से बालू खनन, रंगदारी, अवैध जमीन कारोबार, अनुसूचित जाति जनजाति पर अत्याचार और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ जैसे संगीन मामले शामिल हैं। इसको लेकर सिटी एसपी ने बताया कि छापेमारी अभियान के दौरान कुख्यात फरार अपराधी रणवीर राय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और कई मामलों में वारंटी रहे रणवीर राय की गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी सफलता है। आज भागलपुर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता हाथ लगी है। एक लाल वारंटी और बहुत बड़ा बालू माफिया रणवीर राय नाम का है जो पकड़ा गया है। 22 तारीख को हमें इसकी गुप्त सूचना मिली थी कि ये अकबर नगर अपने ससुराल आया हुआ है। उस सूचना का सत्यापन हमने किया और एसएसपी सर के द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और उसमें डीआईयू की टीम भी थी। जगदीशपुर थाना से कई लोग बाईपास की ओपी से थे, अकबर नगर थानाध्यक्ष सहकुंड भी थे वहाँ उसमें। और इस विशेष टीम ने लगातार 22 और 23 को छापेमारी की। उसी क्रम में कल शाम को 4 बजे रणवीर राय पकड़ा गया है और इसी की निशानदेही पे ये 2 वेपन भी सीज हुए हैं और ये बहुत बड़ा कुख्यात अपराधी है। इसके ऊपर लमसम अभी तक जो हम लोग को पता चला है 10 केसेज हैं। इसने पहली जो हत्या थी वो 2005 में की थी, उसके बाद इसके ऊपर हत्या, रंगदारी, पुलिस पर हमला, बालू माफिया भी है ये और भी अन्य प्रकार के कई केसेस हैं। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में बुधवार को 47वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से व्यापक स्तर पर तैयारी की जा रही है। 26 अप्रैल को होने वाले दीक्षांत समारोह में बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर के आगमन को लेकर विशेष तैयारी की जा रही है, जिसको देखते हुए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल ने विश्वविद्यालय के प्रशासनिक अधिकारियों के साथ TNV कॉलेज स्टेडियम हॉल में बैठक की। बैठक में विश्वविद्यालय के कुलसचिव, कुल अनुशासक, परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय थानाध्यक्ष के अलावा TMBU के कई अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान कुलपति ने कहा कि 26 अप्रैल को TNV कॉलेज स्टेडियम परिसर में दीक्षांत समारोह आयोजित होगा, जिसमें मुख्य अतिथि बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त करने वाले 1929 स्नातक और स्नातकोत्तर छात्र छात्राओं को उपाधि प्रदान करेंगे। साथ ही कुलपति ने बताया कि इस दौरान 96 PhD की उपाधि, 2 डिलीट, 9 स्मृति पदक, 156 छात्रों को गोल्ड मेडल दिया जाएगा, जिसमें 91 छात्राएं शामिल हैं। दीक्षांत समारोह में टोटल 1929 स्टूडेंट्स को उपाधि दी जाएगी, डिग्री दी जाएगी, ठीक है, जिसमें 156 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिया जाएगा। उस 156 में 91 में गर्ल्स स्टूडेंट, ठीक है। इसके अलावे बहुत सारे स्मृति चिन्ह 5 अलग से दिए जाएंगे, मतलब जिन लोग जो डोनर रहते हैं, जो अपने फैमिली के नाम से, पिताजी के नाम से, इन लोग ऐसे 5 तरह के हैं। और स्मृति पदक जो 9 स्टूडेंट्स में, 9 विद्यार्थियों में बांटा जाएगा। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन एसोसिएशन एपवा और भाकपा माले की ओर से भागलपुर पेंशनर समाज भवन में लोकतंत्र और महिला आंदोलन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत उषा शर्मा की दूसरी स्मृति दिवस पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर किया गया। इस दौरान सेमिनार के मुख्य वक्ता एपवा की राष्ट्रीय महासचिव एवं भाकपा माले की पोलित ब्यूरो सदस्य मीना तिवारी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक अधिकारों पर बढ़ते
करते हमले के खिलाफ महिलाओं को एकजुट होना होगा। उन्होंने कहा कि बराबरी एवं सम्मान के लिए संघर्ष करना होता है। जबकि केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए मीना तिवारी ने कहा कि केंद्र की फांसीवादी मोदी सरकार के शासन में महिलाओं के साथ सभी मेहनतकश आवाम चौतरफा संकट का सामना करने के लिए मजबूर है। साथ ही उन्होंने कहा कि निरंतर बढ़ती महंगाई का सर्वाधिक खामियाजा महिलाओं को ही भुगतना पड़ता है, जबकि रसोई गैस, खाद्य सामग्रियों, दवा और रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि होने से महिलाओं को ज्यादा परेशानी हो रही है। इसके अलावा उन्होंने महिलाओं के साथ दुष्कर्म समेत कई तरह के अत्याचार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि अपने हक के लिए महिलाओं को आवाज उठाना जरूरी है, जिससे उन्हें उनका अधिकार मिल सके। मौके पर एसके शर्मा, मुकेश मुक्त, विष्णु कुमार मंडल और रेणु कुमारी समेत काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। हम उनको याद करते हुए उनके संघर्षों को आगे बढ़ाने का यहाँ संकल्प ले रहे हैं और पूरे देश में जिस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार बढ़ रहा है, मोदी जी ने बातें तो बहुत बड़ी बड़ी की, लेकिन सच्चाई यही है कि आज हमारे देश के भीतर महिलाओं पे तमाम तरह के अत्याचार हो रहे हैं और ये सरकार कहीं ना कहीं अत्याचारियों का ही पक्ष लेते हुए देख रही है। कानून के मामले में भी महिलाओं के पक्ष में जो कानून बनने चाहिए, चाहे वो हम सेम सेक्स मैरिज को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है उसको देख सकते हैं, चाहे हम बिल्किस बानो के बलात्कारियों और दंगाइयों को जिस तरह से रिहा कर दिया गया और उसमें सरकार का जो पूरा रोल रहा है, इन तमाम चीजों की हम निंदा करते हैं। और इस देश के भीतर अमन चयन हो, हिंदू मुस्लिम तमाम महिलाएं एक साथ मिलकर अपने अधिकारों के लिए लड़े और इस देश के लोकतंत्र को जो बर्बाद करने में मोदी जी लगे हुए हैं, अमृतकाल का नाम ले रहे हैं, लोकतंत्र का नाम ले रहे हैं। भागलपुर के शाकचक माँ बुढ़िया काली मंदिर के समीप स्थित जस्टिनी कंप्यूटर सेंटर में सोमवार को रिकॉग्निशन एंड फेयरवेल प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें सभी छात्र छात्राओं को कंप्यूटर कोर्स से संबंधित सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया गया। इस दौरान संस्था की ओर से 11 ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने संस्था में प्रशिक्षण प्राप्त कर रोजगार प्राप्त किया, जबकि कई लोग ऐसे भी थे जिन्होंने सफलतापूर्वक कंप्यूटर ट्रेनिंग के बाद खुद का व्यवसाय शुरू किया है। वहीं रिकॉग्निशन एंड फेयरवेल प्रोग्राम में कई मोहक नृत्य और गीतों की प्रस्तुति दी गई, जिसकी वहां मौजूद लोगों के साथ बच्चों ने भी तालियां बजाकर सराहना करते हुए कार्यक्रम का आनंद लिया। एक और जहां भरत ने अपनी गायन का जादू बिखेरा, वहीं आराध्या ने शानदार नृत्य से लोगों का मनोरंजन किया। मन संचालन गायत्री गुप्ता ने किया, जबकि इस दौरान डेस्टिनी कंप्यूटर के दीपक शर्मा के द्वारा किए जा रहे इस तरह के प्रयास की सभी लोगों ने सराहना करते हुए बधाई भी दी। वहीं दीपक शर्मा ने कहा कि न्यूनतम शुल्क में कंप्यूटर प्रशिक्षण देकर अधिक से अधिक युवाओं और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर से जोड़ना उनका लक्ष्य है, जबकि बदलते दौर में कंप्यूटर शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य और उपयोगी साबित होता जा रहा है। मौके पर व्योमकेश, राजकुमार शर्मा, अंकित शर्मा और चंदन समेत कई अतिथि और छात्र छात्रा मौजूद रहे। उस समय उसको पैसे की जरूरत होगी, उस टाइम पे आपको मजबूत खड़ा होकर आना होगा। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। विवाह कलेक्शन, आपका अपना कलेक्शन। हमारे यहाँ आपके लिए बेहतरीन कपड़ों का इंतजाम है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं और खिदमत का मौका इनायत फरमाएं। ईद की इन खुशियों में विवाह कलेक्शन को अपनी पसंद बनाएं। हमारे यहाँ आपके लिए है सलवार सूट, लहंगा, चुनरी, गाउन, डिजाइनर ड्रेस, शेरवानी, कोट पैंट, किड्स लहंगा और भी बहुत कुछ मौजूद है। एक बार जरूर तशरीफ लाएं।
एड्रेस सूजागंज नियर इंदारा स्टेशन रोड भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7677470418। मेरा नाम आर के सिंह है और मैं बरियातू रांची का रहने वाला हूँ और मुझे 4 साल से डायबिटीज था। जीटामेट प्लस दवा खाते थे, जीटामेट 2000, और यही खा करके कंट्रोल किए हुए थे। फिर जब डॉक्टर साहब के बारे में पता चला, एक्चुअली हमारे कलीग, हमारे ऑफिस के कुछ कलीग यहाँ इलाज करा रहे थे, तो उन्होंने बहुत फ़ायदा हुआ था। तो वही हम भी ट्रायल में आए थे, हमको तो विश्वास नहीं हो रहा था पहले, तो ट्रायल में आए तो जब यहाँ का दवा हम खाए, जो इन लोग परहेज जैसे बताए किए, तो 1 महीना के बाद ही मेरा डाउन होने लगा। और 2 महीना से मैं कोई दवा नहीं ले रहा हूँ। धीरे धीरे सब दवा छूट गया, पहले अंग्रेजी दवा छूटा, और अंग्रेजी दवा को पहले पावर कम किए डॉक्टर, और उसके बाद फिर पूरा दवा छूट गया इंग्लिश, और एलोपैथ दवा छूटने के बाद सिर्फ ये इनका दवा चला, और 2 महीना से इनका दवा भी नहीं चल रहा है। और मेरा शुगर अभी 122 है, खाना खाने के बाद चावल वगैरह सब, चावल आलू का सब्जी चोखा सब खाने के बाद भी मेरा 122 है पिछले सैटरडे का रिपोर्ट, और इसके पिछले हफ्ते का था 128। तो मेरा रेंज में रह रहा है, मतलब 130 से ऊपर नहीं जा रहा है पूरा खाना खाने के बाद भी। ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर में भारत कौरव राष्ट्रीय संत गन्नाचार्य विराग सागर मुनिराज के प्रम प्रभावक शिष्य सराग केसरी श्रवण विशल्य सागर मुनिराज के पावन सानिध्य में आयोजित हुआ भक्तामर महामंडल विद्यान सानंद कार्यक्रम संपन्न हो गया। इस दौरान मुनिश्री ने भक्ति की महिमा बताते हुए कहा कि भक्ति परमात्मा से जोड़ने का प्रमुख आयाम है, और यह परमात्मा से मिलन कराने के सेतु होने के साथ स्वयं से भी साक्षात्कार कराता है। उन्होंने कहा कि परमात्मा की भक्ति करते समय हमें स्वयं के अंदर परमात्मा के विद्यमान होने का अनुभव हो जाता है। साथ ही कहा कि भक्ति 2 प्रकार की होती है, जिसमें पहली द्वैत भक्ति और दूसरी अद्वैत भक्ति शामिल है, जबकि दोनों भक्ति का चमत्कार अद्वैत होता है। इसके अलावा विशल्य सागर मुनिराज ने कई ज्ञान और भक्ति से जुड़े कई महत्वपूर्ण आयामों पर चर्चा करते हुए परमात्मा से जुड़ने की बात कही। मौके पर दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष विजय जैन, महामंत्री पदम जैन, परिषद के अध्यक्ष कमलेश जैन, उपाध्यक्ष सुमित जैन समेत काफ़ी संख्या में जैन समाज के पुरुष, महिला और भक्तगण मौजूद रहे। मानवाधिकार सहायता संघ की प्रदेश टीम के द्वारा पटना के दरोगा प्रसाद राय पथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर एसएस भारत और बिहार के सभी जिले के संस्था से जुड़े पदाधिकारी और सदस्यों ने हिस्सा लिया। प्रांतीय सम्मेलन में भागलपुर के जिलाध्यक्ष सुमन सौरभ को वीर रत्न और गौरव सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जबकि इसके अलावा भागलपुर मानवाधिकार सहायता संघ भागलपुर की पूरी टीम को गौरव सम्मान देकर सम्मानित किया गया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।